सियाराम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक आध जरूरी बातें भी आप लोगों से शेयर करूंगा, जिसको आपको जानना जरूरी है, तो लास्ट तक बने रहना। तो मैंने आर्ट कमीशन वाले वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में जब 8K व्यूज हो जाए उसके बाद ही वो रिजल्ट अनाउंस करूंगा, पर मैंने रिसेंटली एक आर्ट कमीशन नया ऑर्डिनेंस अनाउंस कर दिया। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, बाहर जाके देख सकते हो। और विनर कैसे बना जाए उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी, उसको भी देख सकते हो। ये काफी हेल्प करेगा आपको विनर बनने में, जिसमें बताए गए टिप्स को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो। तो मैंने पहले ही कहा है जो मिस्टेक लोग कर रहे हैं बार बार, कि मैंने कहा था जो भी रेफरेंस जितने भी रेफरेंस दिया गया है उनमें से कोई एक ही रेफरेंस ड्रॉ करना है, उसको एक ही आर्टवर्क सेंड करना है। और यहाँ इस टॉप 10 आर्टवर्क्स में भी ऐसे आर्टवर्क मुझे मिला, पर बहुत देर गया इसलिए मैंने जो भी मिला इस बार तो चलो हो गया। इस बार तो मुझे पता चल गया है किसने ऐसे किया है और उनको भी पता है, पर उनके साथ साथ में आप लोगों भी कहना चाहिए, अगर कोई ऐसा करना चाहते हैं जो भी रेफरेंस दिया जाता है उनसे एक ही ड्रॉ करना है। नेक्स्ट टाइम से अगर एक आर्टवर्क की जगह आप दो आर्टवर्क अलग अलग आईडी से ड्रॉ करके सेंड करते हो, इस तरीके से मुझे पता चल जाए, तो उनमें से आपका एक भी आर्टवर्क सिलेक्ट नहीं करूंगा अगर किसी तरह मुझे पता चल जाए। तो इसलिए एक ही आर्टवर्क ड्रॉ करो, उसमें ही ज्यादा टाइम दो। आपको क्या लगता है, आप दोनों में दो अलग अलग आर्टवर्क ड्रॉ करोगे? अगर आप ग्रुप बी में है तो ग्रुप बी में भी ग्रुप बी के साथ साथ आप ग्रुप ए का भी आर्टवर्क ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर ग्रुप ए में ही हो तो ग्रुप ए में ही दो चार आर्टवर्क ड्रॉ कर रहे हैं, सब में आपका अच्छा ही रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं, जितना टाइम आप दो आर्टवर्क ड्रॉ करने में जितना टाइम लगाते हो उतना ही टाइम अगर आप एक ही आर्टवर्क में लगाते तो शायद आपका आर्टवर्क उन्हारी बन जाता है। इसलिए आप एक ही आर्टवर्क में ज्यादा मेहनत करके अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करो बजाय दो करके। तो पहले की तरह इस बार भी एक ग्रुप ए का आर्टवर्क जो विनर है और एक ग्रुप बी का आर्टवर्क विनर्स का एक एक करके दिखा दे जाऊंगा, तो लास्ट तक देखते रहो और भी उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ग्रुप बी में जो फर्स्ट विनर है उनका नाम है स्वराज गोनकर और इनका आर्टवर्क ये रहा। तो आपका प्राइस आपके पास पहुंचाने के लिए आपने जिस आईडी से मुझे अपना आर्टवर्क सेंड किया था उसी आईडी से ये सब डिटेल आपको एक एक करके सीरियली सेंड करना होगा। इसके बाद ग्रुप ए में जो फर्स्ट विनर है उनका नाम है नेहा कुनवार राठौर और यह इनका आर्टवर्क है। और आपको भी आपका प्राइस आपके पास पहुँचाने के लिए ये सब डिटेल्स आपको सेंड करना होगा सीरियली। और उसके बाद ग्रुप बी में जो सेकेंड विनर है उनका नाम है इतिश्री एम जोशी और ये आर्टवर्क इनका है। तो यहाँ पर ग्रुप ए ग्रुप बी में जितने भी विनर्स हैं वो सभी लोग जिस इंस्टाग्राम आईडी से अपने आर्टवर्क सेंड किया था उसी इंस्टाग्राम आईडी से अपना पोजीशन शेयर करते हुए एक मैसेज कर देना, ताकि मैं आपको आपका सर्टिफिकेट सेंड कर सकूँ। उसके बाद ग्रुप ए में जो सेकेंड विनर है उनका नाम है अक्षदा और यह है इनका आर्टवर्क। और ग्रुप बी में थर्ड विनर है आरती मदनवाल और यह है इनका आर्टवर्क। उसके बाद ग्रुप ए में थर्ड विनर है उनका नाम है हर्षित तिवारी और यह है इनका आर्टवर्क। तो आपको मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ, एक पार्टिसिपेंट सिर्फ एक ही आर्टवर्क सेंड करे, दो चार आर्टवर्क सेंड ना करे, वरना एक भी आर्टवर्क आपका सिलेक्ट नहीं हो पाएगा आगे से। उसके बाद ग्रुप बी में फोर्थ विनर है अश्विनी बी निम्बालकर और यह है इनका आर्टवर्क। और इसके बाद ग्रुप ए में फोर्थ विनर है सरस्वती बेहरा और यह रहा इनका आर्टवर्क। उसके बाद ग्रुप बी में फिफ्थ विनर है हर्ष जी और यह है इनका आर्टवर्क। उसके बाद ग्रुप ए में फिफ्थ विनर है ये और इनका आर्टवर्क ये है। उसके बाद ग्रुप बी में छठवां विनर है श्रेयासी अधिकार और यह है इनका आर्टवर्क। उसके बाद ग्रुप ए में जो सिक्स्थ विनर है वो है रुद्र तोमर और यह है इनका आर्टवर्क। उसके बाद ग्रुप बी में जो आखिरी विनर यानी सेवेंथ विनर है क्रिस और इनका आर्टवर्क ये है। उसके बाद ग्रुप ए में सेवेंथ विनर है एंजेल बेन और यह है इनका आर्टवर्क। उसके बाद ग्रुप ए में ही एथ विनर है हिमांशु कसारी और यह है इनका आर्टवर्क। उसके बाद ग्रुप ए में ही आखिरी विनर यानी नाइन्थ विनर है हर्षित, इनका आर्टवर्क ये रहा। तो एक ही बंदे ने अलग अलग आर्टवर्क एक एक करके दो चार सेंड कर दिया है, तो आप एक ही आर्टवर्क सेंड करा करो, मुझे लगता है आप ही हर्षित तिवारी हो, एंड ऐसा मिस्टेक आगे से मत करना। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सियाराम।